स्टूडेंट्स वेलकम टू मॉड्यूल 22 ऑफ़ योर इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस कोर्स इसमें हम जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनमें से जो नेक्स्ट बिगेस्ट प्लेयर है उसको डिस्कस करेंगे Amazon Web Services. Amazon is the you know हम ये कह सकते हैं कि ये वो कंपनी है जो कि एक सर्विस प्रोवाइडर थी ये एक ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट थी बेसिकली अगर हम दूसरे प्लेयर्स को देखें देवर ऑलरेडी इन टेक्नोलॉजी कि जैसे गूगल की एमस की और किसी और की बात करें हमने गूगल की बात की हम आगे माइक्रोसॉफ्ट की बात करेंगे और जो बड़े प्लेयर्स हैं दे वर ऑल ऑलरेडी टेक्नोलॉजी प्लेयर्स लेकिन एमोजोन डिफरेंट इसलिए कि डिफरें ये सिंपल एक वेबसाइट थी और ये दे यूज टू सेल लाइक बुक्स एंड सीडीज और देन यू नो दे हैव टोटली ये एक जो है ना रेवोल्यूशन ले आए हैं विद देयर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एंड ऑफरिंग्स और इस वक्त दे आर कम्पीटिंग विद दी मे बी देर वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज एंड बेस्ट ये भी होता है कि जो एम्प्लॉयर यू नो कि एज एन एम्प्लॉयर भी आपकी क्या रेटिंग है दुनिया में इस ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है तो एज एन एम्प्लॉयर भी दे आर वेरी वेरी गुड एंड जो एक दफ़ा इन कंपनीज को ज्वाइन कर ले मोस्टली दे डो नाट वॉन्ट टू लिव सो Web Services is one of the most innovative companies in the recent world. There are few more, but we are since सिंस focus is on the cloud technologies, और द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स डैट्स वाई वी आर रेफरिंग टू दिस तो एमेज़ॉन जो है इनकी भी अपनी प्रोडक्ट्स हैं इनके अपने इन्होंने भी दे हैव क्रिएटेड स्मॉल प्रोडक्ट्स डेटा बेस और जैसे ये आप कुछ और जो अब हमने डिस्कस किया था क्लाउड की वी एम वेयर और वो जो वर्चुअलईजेशन अब इन्होंने इसको और छोटा कर दिया है कि और जो स्मॉल कंटेनर्स है ना ये आप प्लीज़ नोट करें इस चीज़ को वी एम वेयर या वर्चुअल मशीन तो वर्चुअल मशीन इज़ नॉर्मल या वर्चुअल सर्वर या वर्चुअल कंप्यूटर तो उसको इन्होंने फर्दर और छोटा कर दिया उसको कहते हैं मिनी कंटेनर्स और अब आप अपना डाटा अकॉर्डिंग टू योर अपनी ज़रूरत के मुताबिक बिल्कुल छोटे छोटे कंटेनर्स में भी रख सकते हैं उसमें कह कोई कुबर है डॉकर्स हैं और इस तरह के जो डिफरेंट जो कंपनीज हैं उनके अपने नाम हैं बहरहाल ये जो चीज़ है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड और इसमें भी दे हैव प्लेड अ है। शॉर्ट ऑफ अ कैटलिस्ट रोल के इनों ये इस तरह की चीज़ें लेके आए हैं अमेजोन वेब सरीज दे ऑफर हंड्रेड प्लस प्रोडक्ट्स और फिर इसके अलावा यही है कि जो आपका सिक्योर है इन्वायरमेंट सेफ़ है डेटा आपका कॉस्ट अफेक्टिव है बहुत सारे कंपोनेंट जो हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग के डेफिनेटली दे आर कॉमन इन ऑल सर्विस प्रोवाइडर्स या इवन कि अगर आपका वो प्राइवेट या हाइब्रिड क्लाउड भी है स्टिल ऑल दोज जो कि उसके जो वैल्यूज़ हैं या करक्ट्रिस्टिक्स हैं फीचर्स हैं वो आपके द, वो तकरीबन काफ़ी हद तक सिमिलर है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इनकी डिफ्रेंशिएशन हैं जो कि बेसिकली देर इन अ रेस जो तीन चार बड़े क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर देर इन अ रेस के हु इज़ द बेस्ट एंड हु इज़ यू नो हैविंग मोर रेवन्यू और मोर कस्टमर्स एंड थिंग्स लाइक दिस तो दिस इज़ बेसिकली अ कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट कि कभी लगता है ल, लोगों को कि एक कंपनी आगे जा रही है कभी लगता है दूसरी आगे जा रही है और इसमें एक ये भी ऑप्शन होता है आपके पास एज़ ए यूज़र कि अगर आज आप एक कंपनी की सर्विस से सेटिसफाइड नहीं हैं तो यू कैन मूव टू अनदर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर तो ये बड़ा ज़बरदस्त है इसमें आपके पास जो है ऑप्शन टू मेक यूज़ ऑफ डिफरेंट अवेलेबल टेक्नोलॉजीज़ फ्राम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एंड लफ लाइक दैट अच्छा फिर ये जो हंड्रेड परसेंट प्रोडक्ट्स की हमने बात की ऑब्वियसली सर्वर स्टोरेज कंप्यूटर ये सारी चीज़ें देते हैं अगर डेटा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव ऑप्शंस, राइट कि आपको ये जो सारे तकरीबन सब ये जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं मशीन लर्निंग के लिए आपको एनवायरमेंट environment, एनवायरमेंट्स मिलती हैं डेटाबेस आपको मिलते हैं जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि आप जो भी डेटा बेस आपको पसंद है बिग डाटा का अगर आपको हदूब क्लस्टर सिस्टम हदूब का फाइल बेस सिस्टम चाहिए उसके क्लस्टर चाहिए वो आपको मिल जाएंगे आपको एच बेस चाहिए आपको यू you नो know, इतनी लंबी लिस्ट है प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज की जो कि क्लाउड आपको ऑफ़र करता है और इसमें विद योर इंटरेस्ट एक तो ये कि आपको अगर आप किसी भी डेटा की बात करें उसके अंदर आपको बिल्ट इन स्टेटिस्टिकल मॉडल मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस स्टेटिस्टिकल फंक्शन दे आर बिल्ट इन राइट फिर आपके पास चॉइस है कि आपने किस तरह का ओपन सोर्स यूज़ करना है लेसेंस यूज़ करना है और फिर इसके अलावा ये आपको मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम भी मिलते हैं एक तो आपको मिल गया ना स्टेटिस्टिकल मॉडल इन टर्म ऑफ फंक्शन फिर जो डिफरेंट फर्ज करें पाइथन की हमने वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पाइथन या और जो भी डेवलपमेंट लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे तो उसके अंदर जो यू नो योर लाइफ एज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर कंप्यूटर साइंटिस्ट आई विल स्टिल कॉल यूर सॉफ्टवेयर डेवलपर इज़ वेरी ईजी एज़ कम्पेयर टू अगर आप दस पंद्रह बीस साल पहले जो सॉफ्टवेयर डिवेल्प करते थे तो वी यूज टू लाइक आई हैव बीन अ सॉफ्टवेयर डिवेलपर माई सेल तो हमें एक एक चीज़ खुद कोर्ट खुद लिखना पड़ता था वी हैव टू सेलेक्ट किया जी लो लेवल लैंग्वेज में जाऊँ हाई लेवल लैंग्वेज में जाऊँ अब आपके लिए लाइफ इज़ सो ईज़ी तो आपको डिफरेंट लाइब्रेरीज मिलती हैं जिनको आपने सिंपली आपको जो डी एल एल्स जिसे कहते हैं वो मिलती हैं आप उनको सेलेक्ट करें कॉल करें अपने मेन प्रोसीजर में एंड देर यू गो आई यू गेट योर रिजल्ट दैट इज़ हो योर लाइफ इज सो मच ईजी राइट और ये ईजी इस सेंस में है बट एट द सेम टाइम हमारे ज़माने में डाटा बहुत कम था वी डि नाट है ऑफ डाटा यू नो अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग या हर इंडस्ट्री में इनकी इस तरह से एप्लीकेशन नहीं थी बहुत कम इंडस्ट्रीज़ थी जो कि आज से 20, 25, 30 साल पहले डाटा इतना ज़्यादा अव्वल तो डाटा था ही नहीं और लोगों को पता ही नहीं था बिजनेसिस को के डेटा को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वेरेस्ट अगर हम उसको आज के कंपेयर करें आज के दिन से आज के कस्टमर से आज के डेटा साइंटिस्ट से तो द चैलेंजेस आर टोटली डिफरेंट द वर्ल्ड हैज़ चेंज राइट तो ये है कि आपको जो क्लाउड की वजह से यू हैव ऑप्शन आपको मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम स्टेटिस्टिकल मॉडल आपको लाइब्रेरीज बेशुमार चीज़ें जो हैं आपको बिल्ट इन मिलती हैं एंड दैट इज़ हो यू कैन गेट बेनिफिट ऑफ डिफरेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म्स अब ये एक टिपिकल जैसे मैंने लास्ट भी आपसे कुछ वो डायग्राम शेयर की तो ये एक ए के जो क्लाउड की एक टिपिकल डायग्राम है कि इसमें जो हमने बात की कि हंड्रेड प्लस सर्विसेज हैं डिफरेंट डाटा हैं जो डिफरेंट उनके मिनी कंटेनर्स हैं या कंटेनर्स हैं ये सारी फिर इसमें आपको डेवॉप्स के टूल्स भी साथ मिलते हैं जो कि ऑटोमेटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के डिप्लॉयमेंट करने के टेस्टिंग करने के बेशुमार आपको जो है ना ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं Through these uh, cloud service providers and at a very, very economical cost.